हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम है वेरी लोनली शी। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है मोतीलाल जोतवानी ने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन यह हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो ये शॉर्ट स्टोरी है वेरी लोनली शी, इसे ओरिजिनली लिखा गया था सिंधी लैंग्वेज में और इसका टाइटल सिंधी में था अकेली अकेली हो आ। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था डॉक्टर नंदलाल जोतवानी ने और ये पहली बार पब्लिश हुई थी कथा प्राइस स्टोरीज में इन द ईयर 2000। जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, आपको ऑथर के बारे में या राइटर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इनके बारे में अगर आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे तो जो भी आपका पेपर चेक करेगा टीचर, उस पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अच्छे मार्क्स दें। मोतीलाल जोतवानी वॉज अ फेमस इंडियन राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। इनका जन्म 1936 में हुआ था और इनकी स्पेशलिटी थी सिंधी लैंग्वेज और लिटरेचर में। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द रिश्ता नाता, वेरी लोनली शी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं और कोथ। इनके कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड, सिंधु रत्न, पद्मश्री और कृति पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में। इस स्टोरी में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है पूरन मौसी जो कि प्रोटैगनिस्ट है, सेकंड है मनोहर जो कि पूरन मौसी का नेफ्यू है, थर्ड कैरेक्टर है विमला। विमला जो है वो पूरन मौसी की सिस्टर है और मनोहर की मदर है। स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। द शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट द पेन एंड लोनलीनेस इन ओल्ड एज। नरेटिव टेक्निक है इसमें थर्ड पर्सन नरेटिव एंड मनोहर इज द नरेटर। तो ये जो स्टोरी है ये हमें दिखाता है पेन एंड लोनलीनेस ऑफ एन ओल्ड एज पर्सन जो कि है पूरन मौसी। नरेटिव टेक्निक इसमें थर्ड पर्सन नरेटिव है और इसको नरेट किसने किया है, मनोहर ने। स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। पूरन मौसी इज अ विडो हु लिव्स अलोन इन आगरा। शी हैज फ्यू रिलेटिव्स बट दे डू नॉट केयर अबाउट हर। The husband of Puran Mausi left her after a few years of marriage, so she moved back to Agra to live with her parents. But when her parents died, she was left alone. अब जो पूरन मौसी हैं वो कहाँ रहती हैं, आगरा में। उनकी जब शादी हो जाती है तो उनके जो पति हैं वो उनको कुछ साल बाद छोड़ देते हैं, जिस वजह से उन्हें वापस अपने पेरेंट्स के घर पे आना पड़ता है। उनकी पेरेंट्स की जब डेथ हो जाती है तो वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। अब करंट टाइम में वो आगरा रहती हैं और उनके कुछ रिलेटिव्स तो हैं, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ भी केयर नहीं करता है, कोई भी उनके बारे में कंसर्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शी यूज टू रन अ वुमेन्स डोमेस्टिक स्कूल वेयर शी टॉट टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, बट बिकॉज ऑफ हर एज शी सोल्ड हर स्विंग मशीन। Currently, she lives off the rent from a portion of her parents' house. Financially, she was in bad situation. She cannot afford to have modern conveniences like telephone, television, or even newspaper. अब हमें क्या पता चलता है कि जब वो यंग थी तो वो एक वुमेन डोमेस्टिक स्कूल चलाती थी जिसमें वो टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाती थी, लेकिन जब वो थोड़ी एजिड हो गई तो उन्होंने अपनी स्विंग मशीन बेच दी और वो स्कूल बंद कर दिया। अब अपने आप को सस्टेन करने के लिए उन्होंने जो उनके पेरेंट्स का घर था जिसमें वो रहती हैं उसका कुछ पोर्शन रेंट पे दे रखा है ताकि उनको उस चीज़ से इनकम आए और वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और वो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि टेलीफोन, टेलीविजन और न्यूज़पेपर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बट शी इज़ पॉजिटिव एंड लिव्स विद प्राइड। Early in the morning, she completes household work and performs puja. Despite her poor condition, she has self-respect.
That's why when one day her brother-in-law's son said, "Chachi, for God's sake, leave us alone," she hadn't stepped into her in-law's house. इसका क्या मतलब है कि भले ही जो पूरन मौसी हैं वो बहुत ज्यादा पुअर हों और अकेली भी हों, लेकिन फिर भी उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत हाई है और वो प्राइड से जीती हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? एक इंसिडेंट हुआ था उनकी लाइफ में जब उनके जो ब्रदर इन लॉ का सन था उन्होंने उनसे बोल दिया था, चाची इस घर को छोड़ दो, और उस दिन के बाद आज तक वो उस घर में नहीं गई है। हमें ये भी यहाँ पे पता लगता है कि वो डेली मॉर्निंग में अपना घर का सारा काम कंप्लीट करके पूजा भी परफॉर्म करती हैं अपने घर में, और वो बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट से जीती हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है मनोहर का। मनोहर इज इंट्रोड्यूस्ड एज पूरन मौसी'स नेफ्यू। मनोहर वॉज गोइंग टू दिल्ली एंड डिसाइड्स टू गो थ्रू आगरा एंड विजिट पूरन मौसी। He is a decent person who is not entirely neglectful of relationships. He visits Puran Mausi and it's very sad seeing the condition of her. अब यहाँ पे मनोहर जो है वो पूरन मौसी का कौन है? Nephew है। वो दिल्ली जा रहा होता है तो वो डिसाइड करता है कि वो आगरा होता हुआ जाए और पूरन मौसी से भी मिल ले। वो एक decent person है और वो बिल्कुल ही neglectful नहीं है, मतलब उसे अभी भी चिंता है अपने रिलेशनशिप्स की। वो एक फैमिली मैन की तरह रहता है और जब वो पूरन मौसी की कंडीशन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि पूरन मौसी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। पूरन मौसी वेलकम हिम वार्मली विद टीयर्स ऑफ जॉय इन हर आईज एंड सर्व्स हिम द बेस्ट फेयर शी कैन। शी ऑल्सो रिमेंबर्स हिज प्रेफरेंस दैट ही डजंट टेक शुगर एंड That he likes tea in a mug. अब जो पूरन मौसी होती है वो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके आंख में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि इतने सालों बाद उनसे कोई मिलने आया है, और वो ट्राई करती हैं कि जितना भी उनसे पॉसिबल हो वो बेस्ट फूड दें उन्हें खाने के लिए। उन्हें अभी तक ये भी याद है कि मनोहर जो है वो शुगर नहीं लेता है टी में और वो टी को मग में पीना पसंद करता है। She starts talking to him about his family and Bimla's daughter when Manohar informs her about the death of his father. Listening to the news, Puran Mausi is shocked. Manohar realizes that it was his fault that he didn't inform Mausi about his father's death. He felt very guilty and apologized to Puran Mausi and left her house for his journey to Delhi. यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जब वो बातें कर रहे होते हैं विमला की डॉटर मतलब मनोहर की सिस्टर के बारे में, तो मनोहर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई है। इस न्यूज़ को सुन के वो पूरन मौसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि जब भी कोई फैमिली में मरता है तो सब रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है या किसी भी पर्सन की डेथ हो चुकी है, लेकिन इन सब ने पूरन मौसी को निगलेक्ट कर दिया और उन्हें इस न्यूज़ के बारे में भी इन्फॉर्म नहीं किया। जब मनोहर ये रियलाइज करता है तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो पूरन मौसी से माफ़ी मांगता है और अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है टू दिल्ली। पूरन मौसी हैव नाउ एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस एंड शी डोंट हैव एनी कंप्लेंट अबाउट हर लाइफ। शी हैज लर्न टू लेवल ऑन and face the consequences of the life. इसका मतलब क्या है? पूरन मौसी ने अब सीख लिया है कैसे उन्हें अकेले रहना है और वो अब कुछ भी कंप्लेंट नहीं है उन लाइफ के बारे में। वो अब अकेले रहना सीख चुकी हैं और उन्हें पता है कि कैसे सब चीज़ों से डील करना है और कैसे प्राइड के साथ रहना है। अब हम बात कर लेते हैं थीम्स के बारे में। थीम्स हमारी मेन थीम्स हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली बॉन्ड और लोनलीनेस। सेल्फ रिस्पेक्ट हम पूरन मौसी के करेक्टर में देख सकते हैं कि उनके साथ जो भी चीज़ें हुई उसके बाद भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ प्राइड के साथ रहती हैं। फैमिली बॉन्ड में हम ये देखते हैं कि कैसे जो अब नई फैमिलीज हैं नए टाइप की फैमिलीज हैं वो रिलेशनशिप्स को भूलती जा रही हैं, लेकिन जो फैमिली बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट हमारा है लोनलीनेस, जो कि हमने देखा है पूरन मौसी की कंडीशन में
कि कैसे उनके हस्बैंड भी उनको छोड़ गए, उन्हें घर पे वापस आना पड़ा, और उसके बाद उनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही अकेली हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे टाइटल के बारे में, वेरी लोनली शी। द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट दैट द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द पर्सन हु इज वेरी लोनली। द टाइटल डिस्क्राइब्स अ कंडीशन ऑफ पूरन मौसी, रीजन फॉर लोनलीनेस, लेफ्ट बाय हर हस्बैंड, पेरेंट्स डाइड, रिलेटिव्स डू नॉट बॉदर अबाउट। अब यहाँ पे क्लियरली मैंने रीजंस भी दे दिए हैं, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है रीजंस फॉर हर लोनलीनेस तो ये सारे रीजंस थे। टाइटल अच्छे से डिस्क्राइब करता है पूरन मौसी कंडीशन को, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लोनली हैं। रीजंस क्या है, उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया था, उनके पेरेंट्स मर गए थे, और उसके बाद भी जो उनके रिलेटिव्स बचे थे कोई भी उनके बारे में कंसर्न्ड नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको क्लियर करने के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो इस ईमेल आईडी पे भी आप भेज सकते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो कि पिछले साल में भी आए हुए हैं फ्रॉम द सेम शॉर्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।